ओके जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बोहर एटॉमिक मॉडल का पार्ट टू है, जिसमें हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी थी, एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। पिछले लेक्चर में जो कि बोहर का पार्ट वन था, उसमें जो चीज़ हम स्टडी करके आए थे वो उसके पोस्टुलेट्स के बोहर ने प्रपोज क्या किया, और फिर हमने एक एटम के गिर्द घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड आउट किया था, एक डेरिवेशन की थी जिसके नतीजे में हमारे पास रेडियस जो है वो निकल आया था। और फिर हमने ट्रेंड देखा था कि जो पहला इलेक्ट्रॉन, पहला शेल होता है वो दूसरा डिस्टेंस पे होता है, क्योंकि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन जो है वो हमने डिराइव कर ली थी। सेकेंड पोर्शन वॉज अबाउट द एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो हमने आज स्टडी करना है। इसमें भी हम एक जनरल इक्वेशन जो सी है एनर्जी की वो ड्राइव करेंगे, और देखेंगे कि किस तरह जो सी है हर शेल में एनर्जी का चेंज जो सा है एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अब कोई भी चीज़ जो कि रिवॉल्व कर रही है, हम सपोज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के गिर्द शेल और ये शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो है जो कि एक सर्कल में, एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। उसकी टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द टू पार्ट्स विच इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किसी भी चीज़ की होती है 1/2 mv², ये बेसिक फॉर्मूला आप लोग लोगों को याद है अपनी प्रीवियस क्लासेस से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², ये तो ठीक है। अब पीछे बात होती है पोटेंशियल एनर्जी की, कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है आपके सर्कल के अंदर, एक शेल के अंदर किसी भी एटम के, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो सी है वो क्या होगी। तो अगर आप लोगों को वर्क का कॉन्सेप्ट याद हो, वर्क और एनर्जी में तकरीबन कोई फर्क नहीं होता, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब पोटेंशियल एनर्जी के केस में जो फोर्स होगी, फोर्स विल बी द कूलम्स फोर्स, और डिस्टेंस विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जो कि है उसका आर, ये उसका जो सा है आर है, तो रेडियस उसका डिस्टेंस होगा और कूलम्स फोर्स उसकी, वर्क के फॉर्मूले में फोर्स जो सी है वो कूलम फोर्स होगी। अब कूलम फोर्स क्या होती थी, वो होती थी 1/4 πε₀ q1 q2/r². उसी तरीके से पिछले लेक्चर का अगर आपको याद हो तो हम इसको देखेंगे, इट विल बी q1 वुड बी द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जो कि आपके पास z टाइम्स e है, और q2 आपके पास ये वाला चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो कि ई होता है, डिवाइडेड बाय 4πε₀r². इसको मैं लिखूं तो ये Ze²/4πε₀r² का स्क्वेयर हो जाएगा। दिस इज एफ एंड डी विल बी आर। इसको जब मैं वर्क के फॉर्मूले में पुट करूंगा तो मेरे पास जो चीज बनेगी, वर्क इज इक्वल टू Ze²/4πε₀r² इंटू, अब यहां पे मैं जो है डी आर लूंगा ना, व्हाट इज डी आर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ आर। क्यों, क्योंकि जब आपका इलेक्ट्रॉन जो सा है वो मूव करेगा थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जब कोई भी चीज़ वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए मूव करती है, तो फिर हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं डी आर। डेरिवेटिव एंड इंटेग्रल आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैलकुलस विच यू विल बी स्टडिंग इन योर सेकेंड ईयर मैथ।
फॉर नाउ आपको इतना पता होना चाहिए, फिजिक्स में भी ये चीज आपने देखी होगी वर्क को फाइंड आउट करने के लिए, कि आप किसी भी चीज को छोटे छोटे जो उनसे हैं एरियाज में डिवाइड कर लेते थे और डेरिवेटिव से ले लेते थे, और उसके बाद हम उसका इंटेग्रल लेके पूरे की पूरी वैल्यू जो है वो निकाल लेते थे। अगर आपने अपना फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर वर्क वाला स्टडी कर लिया है तो उसमें भी एक ग्राफ होता था जिसमें हम छोटी छोटी उसको डिवाइड कर लेते थे और एक का फाइंड कर लेते थे डी आर लेके, और फिर जब उसका इंटेग्रल लेते थे तो पूरे कर्व के अंडर का एरिया आ जाता था। तो इस तरह की एग्जाम्पल्स आपने बेशुमार स्टडी की होंगी, दिस इज डी आर। अब हमें तो पूरा वर्क चाहिए, मतलब ज्यादा डिस्टेंस के लिए चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वी विल इंटीग्रेट इट, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। इन्फिनिटी टू आर का क्या मतलब है कि आपके पास ये एक शेल था, एक न्यूक्लियस, एक एटम है, ये यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे मौजूद है, ये वाला एटम उसको खींच नहीं रहा क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है कि आपने इसको उठा के उसकी रेंज में लेके आना है उस शेल के अंदर। तो अब ये जो डिस्टेंस पे आ गया है दिस इज आर, तो ये जो इन्फिनिटी से आर के डिस्टेंस पे मूवमेंट है इसके अक्रॉस हम, तो फुल डिस्टेंस हमारा यही है ना कि इन्फिनिटी से हम उसको आर पे ले आए हैं, तो इसके अक्रॉस हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, जेड ई स्क्वायर डी आर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब कांस्टेंट सारी जो सी हैं वो इंटीग्रल से बाहर आ जाएंगे, जेड ई स्क्वायर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू आर डी आर डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म का जो इंटेग्रल होता है दैट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे ही आ गया, इसका जो होगा वो होता है माइनस वन ओवर आर, और अभी हमने इसके ऊपर लिमिट जो है हमारी इन्फिनिटी और आर वाली, दिस इज आर, ये हमने अभी अप्लाई करनी है। तो हमारी जो अभी तक इक्वेशन बनी है दैट इज जेड ई स्क्वायर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वन ओवर आर, और आपकी लिमिट है इन्फिनिटी से आर। अब ये आपकी अपर लिमिट है, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट। अब हम करते क्या हैं जब लिमिट अप्लाई करते हैं, एक दफा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम जो है वो पुट कर देते हैं। इसको आप इस तरीके से देखें, अभी मैं पुट करूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट जो सा है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज जेड ई स्क्वायर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस वन ओवर, अपर लिमिट पुट करूंगा आर की जगह, आर हमारा डेरिवेट वेरिएबल है, वेरिएबल में मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, ये हो जाएगा वन ओवर आर माइनस माइनस वन ओवर, अब इस आर की जगह मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा, दिस वुड बी इन्फिनिटी। तो मैंने ये किया लिमिट, अब इसको सोल्व करूंगा तो जनरल इक्वेशन बन जाएगी और इंटेग्रल का आंसर आ जाएगा, इंटेग्रल खत्म हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वन ओवर आर, वैसे ही प्लस माइनस माइनस प्लस वन ओवर इन्फिनिटी होता है जीरो, तो दिस ये माइनस शुरू में आ जाएगा, तो जो जनरल इक्वेशन बनेगी जेड ई स्क्वायर ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये मेरे पास जो है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया है, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो देखने वाली ये है कि पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो इसके अंदर नेगेटिव का साइन है, ये नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक एटम था जिसके शेल से बाहर इन्फिनिटी के ऊपर आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद था। अब जब सिस्टम इन्फिनिटी पे मौजूद है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है, क्योंकि ये सिस्टम है इसके लिहाज से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आप इसको उठा के इसके इन्फ्लुएंस में लेके आए हैं आर डिस्टेंस के ऊपर। अब जब ये आर पे आ गया है तो इसकी सिस्टम जो सी अब ये अट्रैक्ट हो रहा है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब जब ये अट्रैक्शन में आ चुका है तो इसकी जो सी
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी लेस देन जीरो. लेस देन जीरो का क्या मतलब है कि वो चीज नेगेटिव है, इसलिए इस टर्म में आपको ये नेगेटिव का फैक्टर जो है नजर आ रहा है. तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो सा है वो जरूरी है आपके लिए कि ये नेगेटिव साइन जो है वो क्यों आया. तो अब हमारे पास दोनों जोनसी हैं वैल्यूज मौजूद हैं. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी जो हमने अभी डिराइव की वो थी जेड ई स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा वो था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये फॉर्मूला था. अब मैं इन दोनों की वैल्यूज जो सी है वो इसके अंदर पुट कर दूंगा. 1/2 mv² प्लस था और ये माइनस, इट विल बी माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब इस इक्वेशन को अगर मैं ए का नाम दूं, अब आप रिकॉल करें अपना रेडियस वाला टॉपिक जो कि इससे पीछे वाला टॉपिक था, उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी कि एम वी स्क्वायर वॉज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, इसके लिए अगर आप रिकॉल करें अपना पिछला चैप्टर, तो वहाँ से जब हमने उसको एंगुलर मोमेंटम से जोन सा है इक्वेट किया था तो हमारे पास दरम्यान में जाके ये वाली इक्वेशन जोन सी है वो आई थी. अब इस इक्वेशन में एम वी स्केयर की जो वैल्यू है ये वाली, इसको मैं उठा के इधर पुट करूँगा, उसको मैं इधर पुट कर रहा हूँ. दिस इज 1/2 एम वी स्केयर की वैल्यू, जेड ई स्केयर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर राइट माइनस जेड ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ये क्या हो जाएगा, जेड इट विल बी जेड ई स्क्वायर ओवर 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा. और अगर आप एलसीएम लेना आपको आता ही होगा, इट्स वेरी सिंपल. तो एलसीएम इसका क्या आएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू माइनस जेड ई का स्क्वायर. ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई टोटल एनर्जी की. लेट मी रीराइट इट. ई इज इक्वल टू माइनस जेड ई स्क्वायर ओवर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर. अब आप अपने रेडियस की जो इक्वेशन थी फाइनल, उसको अगर आप रिकॉल करें तो वो ये थी आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर. ये इक्वेशन हमारी फाइनल इक्वेशन थी जिसमें हमने इन सारी चीजों को कांस्टेंट करके एन स्क्वायर के साथ आर का रिलेशन देखा था. इस इक्वेशन को उठा के जब मैं पुट करूंगा अपनी इस वैल्यू के अंदर, ई की वैल्यू के अंदर इस आर की जगह, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी वो एनर्जी की जो है वो फाइनल इक्वेशन होगी. अब मैं इसको पुट करता हूँ, माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट. आर की जगह मैं आर की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर. ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जेड ई स्क्वायर इंटू पाई एम जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8
पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट विल मेक एप्सिलॉन नॉट का स्केयर, एन स्केयर एंड एच स्केयर। ये पाई इस पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा और जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस एम जेड स्केयर, ये जेड और ये जेड स्केयर, ई और ई की पावर ई फोर हो जाएगी, डिवाइडेड बाय एट एप्सिलॉन नॉट का स्केयर, एन का स्केयर एंड एच का स्केयर। तो ये मेरे पास जो है ई की फाइनल इक्वेशन जो सी है वो आ गई है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन के अंदर आर की फाइनल इक्वेशन वाली वैल्यू उठाई और उठा के इसके अंदर पुट कर दी और उसको सिंप्लीफाई किया, तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है वो बन गई। अब हम चूंकि हमारा शुरू में हमने मेंशन किया था कि जो आपका सैंपल एटम है वो है हाइड्रोजन, हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे थे हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो है अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होता है, तो ये Z स्केयर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी खत्म। तो हमारे पास चीज बचेगी एम ई फोर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्केयर एन स्केयर एच स्केयर ई। अब इसके अंदर जो चीजें हैं एम ई एप्सिलॉन नॉट एच एंड एन, अब देखें एम इज द मास, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट इज द आल्सो अ कांस्टेंट एंड एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, तो ऑल दीज थिंग आर कांस्टेंट। जो चीज कांस्टेंट नहीं है वो एन है, एन इज द क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। अब ये क्वांटम नंबर जो है ये कांस्टेंट नहीं है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो इसको अगर मैं लिखूं इस तरीके से माइनस एम ई की पावर फोर डिवाइडेड बाय एट एप्सिलॉन नॉट का स्केयर एच का स्केयर और ब्रैकेट में वन ओवर एन का स्केयर, तो ये मेरे पास E की जो है एक जनरल टर्म आ गई है कि कांस्टेंट है, ऑल दीज थिंग्स आर कांस्टेंट, ये वाला फैक्टर पूरे का पूरा कांस्टेंट है और जो चीज चेंज हो रही है वो N है, तो हमारे पास एक जनरल टर्म जो सी है वो आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, मैं m और e और एप्सिलॉन नॉट और h ये सारी वैल्यूज मुझे पता है, मैं उठा के इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर देता हूँ ताकि एक जनरल शक्ल जो है वो मेरे पास आ जाए। तो e की जो टर्म बनेगी वो होगी 2.178 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 वन ओवर n स्क्वायर जूल, ये इसके यूनिट्स हो गए। तो ये मेरे पास आ गई जनरल इक्वेशन फॉर द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। अब एन शो कर रहा है nth नंबर, जो भी एन का नंबर है जिस सेल का वो मैं इसमें पुट करूं और मेरे पास फाइनल वैल्यू आती हो आती जाएगी। अब हम जो है इस वैल्यू को चेंज करेंगे इसके यूनिट्स, अभी जो एनर्जी की वैल्यू है दैट इज इन, इसका यूनिट जो है वो है माइनस 2.178 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 वन ओवर एन स्क्वायर इंटू जूल। मैं इस जूल को लेके जाना चाहता हूं किलो जूल पर मोल में। अब यहां पे आई डोंट नो कि आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन कितनी को बेहतर आती है, लेकिन यहां पर एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूं यूनिट चेंज करने की, जो कि इंतहाई आसान है और आपको कहीं पर भी हेल्प जो है वो करेगी। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास 10 जूल हैं और मुझे जो यूनिट चाहिए 10 जूल पर एटम, एक एटम की बात हो रही है ना, ये जो है ये बेसिकली पूरा यूनिट है जूल पर एटम। तो मुझे अब जूल पर एटम से जाना है किलो जूल पर मोल में, इसको मैंने एक्सटेंड किया, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि ऊपर किलो जाउल, मतलब
किलो जाउल पर मोल है ना, जाउल की जगह मुझे किलो जाउल चाहिए, तो इस जाउल को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। अब एक किलो जाउल में कितने जाउल होते हैं? 1000 जाउल। तभी ये जाउल इस जाउल से कटेगा, मतलब आपने इसको 1000 से डिवाइड किया ऊपर। अब यूनिट्स क्या रह गए? किलो जाउल पर एटम। अब मुझे नीचे मोल चाहिए, डिनोमिनेटर है ना ये, इसके नीचे मुझे मोल चाहिए और ऊपर एटम चाहिए, ताकि एटम एटम से कट जाए और किलो जॉल और नीचे मोल आ जाए। तो नीचे आ गया मोल, ऊपर आ गया एटम। अब एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं? 6.02 × 10⁻²। अब ये एटम इस एटम से कट गया और मेरे पास जो चीज बची वो ये थी, 10 × 1/1000, ये किलो जॉल होगा, और डिवाइडेड बाय 6.02 × 10⁻²³, और नीचे आ जाएगा 1 मोल। अब यूनिट क्या हो गए? किलो जाउल पर मोल। और इस 10 को जो ओरिजिनल वैल्यू थी, इसको मैंने अब ऊपर वाली सारी वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाली वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1000 × 1 1000, और ये जब डिवाइड होंगे तो यूनिट मेरे पास अब क्या होंगे? किलो जाउल पर मोल। तो अब आप अगर अपनी बुक में देखें तो उसने भी यही किया है कि हम, उसने कहा है कि इस −2.178 × 10⁻¹⁸ को जाउल पर एटम है ना, ये 1/n² तो साथ जनरल टर्म है, ये तो चलती रहेगी। तो जाउल पर एटम को जब मैं कन्वर्ट करूंगा इंटू किलो जाउल, वो आपकी बुक में कह रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करो Na से और डिवाइड कर दो 1000 से। तो क्यों Na से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा है? वो उसने यूनिट को चेंज करने के लिए किया है। तो ये जो मैंने साइड पे आपको बताने की कोशिश की है, इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब इसको हम 6.2 माइनस जो है आपके पास 2.18 × 10⁻¹⁸, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 6.02 × 10⁻²³⁷, जो कि अब वो एड्रेस नंबर है, Na है, डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पे 1/n² रहेगा। अब इसके यूनिट हैं किलो जाउल पर मोल। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा −1313.315 डिवाइडेड बाय n² किलो जाउल पर मोल। अब मेरे पास जो है ई एनर्जी आ गई फॉर nth ऑर्बिट, जिसकी वैल्यू ये है। ये अब जो सी है मेरे पास जनरल इक्वेशन जो है वो मैंने डिराइव कर ली। किसकी जनरल इक्वेशन? ऑफ एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज होगी, आपके पास एनर्जी के ऊपर चेंज क्या आएगा। इस इक्वेशन के अंदर ये जो जनरल इक्वेशन हमने डिराइव की है, ये थी एक एटम, एक जनरल इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, n की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि एनर्जी का ट्रेंड जो है वो कैसा आ रहा है। पहले चल से दूसरे चल में जाएगी तो चेंज कैसे, किस तरीके से उसके अंदर चेंज आएगा। ई एन इज इक्वल टू −1313.5/n² × J/mol। मैं फाइंड करना चाहता हूँ ई वन। ई वन जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो सेम यही होगा, किलो जाउल पर मोल। अब E2 मुझे चाहिए। E2 के अंदर मैं −1313.31, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू आई थी, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, ये जब 4 से डिवाइड होगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा 328.32 किलो जाउल पर मोल। E3 −1313.31 डिवाइडेड बाय 9, 3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू −145.92 किलो जाउल पर मोल। E4 −1313.31 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू −82.08 किलो जाउल पर मोल। और अब
ई इन्फिनिटी में फाइंड आउट करता हूँ, मैं दूर जा रहा हूँ ना, 1, 2, 3, 4 फ्रॉम द रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो ई इन्फिनिटी क्या होगा, -1313.31 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी का स्क्वेयर. तो एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 kJ/mol. तो जैसे हमें स्टडी करके आए हैं पहले कि जब भी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे होगा उसकी एनर्जी जो है वो जीरो होगी. अब इस ट्रेंड को आप देखें तो जैसे जैसे आप 1, 2, 3 जो है n का नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, आपके पास एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, ये माइनस का साइन शो कर रहा है कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग. -1313 छोटा है और -328 बड़ा है, और -328 छोटा है -145 से, क्योंकि आपको पता है कि माइनस का साइन जो है वो आपकी बड़े और छोटे की डेफिनेशन को उलट कर देता है. अगर ये नंबर लाइन है और ये जीरो है और ये -1 और ये -2, तो -1 इज ग्रेटर देन -2. इसी तरह दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस एंड दिस इज ग्रेटर फ्रॉम दिस. तो इससे पता ये चला कि जैसे जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बनाता हूँ एटम की, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, तो जब ये n इज इक्वल टू 1 था तो यहाँ पे एनर्जी थी -1313.31 kJ/mol. जब ये n इज इक्वल टू 2 हुआ तो आपके पास एनर्जी क्या हो गई, -328.3 kJ/mol. और जब आप n इज इक्वल टू 3 थर्ड शेल में आ गए तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी हो गई -145.9. इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप जो सा है दूर जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, एनर्जी जो है एनर्जी इज इंक्रीजिंग. ये ट्रेंड जो है रेडियस के उलट है. रेडियस के केस में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे दूर जाते थे रेडियस बढ़ता जाता था और एनर्जी जो है उसकी वैल्यू जो सी है वो हमारे पास पॉजिटिव थी, और हमने उसका जो ट्रेंड देखा था वो उल्टा था कि जैसे जैसे आप दूर जाते जाते थे उसका जो सा है रेडियस और भी ज़्यादा हो जाता था. यहाँ पर जो है एनर्जी जो है जैसे जैसे आप उसके न्यूक्लियस के करीब आते हैं एनर्जी आपके पास कम होती है, और एनर्जी जब दूर चले जाते हैं तो एनर्जी जो है ज़्यादा होती है. यही वजह थी कि बोहर ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल में जंप करता है तो एनर्जी जो है वो देता है. क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी ज़्यादा है इसकी एनर्जी से, इस एनर्जी की जो इस शेल में जो एनर्जी है ये वो ज़्यादा है इससे. तो जब ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो 145 से 328 पर जब जाएगा तो फिर ये एनर्जी को रिलीज करेगा. तो ये तो था एनर्जी का कॉन्सेप्ट. अब उसी तरीके से जैसे हमने डिफरेंस ऑफ रेडियसेस और एनर्जीज के फाइंड आउट किए थे, यहाँ पर हम इनके डिफरेंसेस जो से हैं वो फाइंड आउट करते हैं. E2 - E1, E2 इज -328.3 - -1313.31. तो मेरे पास जो डिफरेंस आएगा वो 984.9 kJ/mol होगा. और अब अगर मैं अगला ट्राई करूं E3 - E2, तो वो था -145.92 - -328.32, तो दिस इज 182.40. और सिमिलरली E4 - E3 का जो आंसर आएगा वो होगा 63.84. अब अगर आप इनके ट्रेंड को देखें तो जो E2 - E1 है वो सबसे बड़ा, फिर उसके बाद E3 - E2, और फिर उसके बाद E4 - E3. तो ये जो है वो शो कर रहा है कि आपके पास जो उनसे डिफरेंसेस हैं वो भी, उनका ट्रेंड भी जो है रेडियस वाले ट्रेंड से ऑपोजिट है, उसके उल्टा है. तो ये हमारा था एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट ऑर्बिट्स ऑफ द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम.
और ये वैल्यूज शो कर रही हैं कि आपका जो सा है वो जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के करीब आते हैं आपकी एनर्जी डिक्रीज करती जाती है, और जैसे जैसे आपकी जो सी है न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी आपकी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो दिस वॉज द फाइनल टॉपिक ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, जिसमें दो चीज़ें हमने देखी। बोहर के पहले तो डिटेल पढ़ी कि बोहर ने प्रपोज क्या किया था, फिर हमने रेडियस और एनर्जी और उसकी डेरिवेशन और उसके ट्रेंड्स देखे। तो ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट मोस्ट टॉपिक्स में से एक है कि डेरिवेशन अक्सर जो होती है क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाती है। तो दिस वॉज आवर बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम।